तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मैं आज आप लोगों के लिए ये बेंजामिन की गन है, इसकी शूटिंग रिव्यू लेके आया हूँ और इसमें डिस्कवरी का ये स्कोप लगा हुआ है। तो अभी इसको जीरो करना है, जीरो करने के बाद हमारे पास प्लिंग स्पोर्ट का टारगेट है तो उस पर शूटिंग करेंगे 25-30 मीटर से। तो एक्यूरेसी कैसी आती है और कितना बढ़िया ये गन है ये आज आप लोगों को पता चलेगा। और इसका ट्रिगर विगर कैसा है और ये मैगजीन सारा कुछ मैंने अभी लोड करके लगा दिया और इसमें टेलीस्कोप भी मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो देखते हैं, पहले मैं इसको जीरो करता हूँ, फिर आपको टारगेट पे शूट करके भी दिखाऊंगा तो क्या एक्यूरेसी आती है इस गन की और आप लोगों को ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी जब भी मैं इसको ड्राई फायर कर रहा हूँ तो ये इसका सप्रेसर लगा हुआ है तो फुल्ली साइलेंट ये गन है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, पता भी नहीं चल रहा कि इसका पावर कितना होगा। तो उसके बाद मैं किसी गत्ते पे इसका पेनिट्रेशन टेस्ट भी करूँगा तो इसका कितना पावर है। तो ओवरऑल सारा कुछ मैं चेक करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। बाकी ये आप लोगों को साहिबजादा का नाव से मिल जाएगा और ये 65 से 70 हज़ार रुपये करीब की है, तो 65 मान के चलिए तो इतने की ये करीब की है, आप लोगों को मिल जाएगा, अभी अवेलेबल है। और इधर बाइपोड लगाने के लिए भी स्लिंग लगी हुई है और नीचे भी स्लिंग लगी हुई है, एडजस्टेबल चिक पैड है और रिकॉयल पैड उतना बढ़िया नहीं है, बुल्ट एक्शन ये गन है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका और आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीरो करने के लिए ये टारगेट लगा दिया है मैंने और मैं डिस्कवरी का VT1 स्कोप यूज़ करने वाला हूँ, 3x से 9x तक का ये स्कोप है। तो देखते हैं इस पर पहले जीरो करके फिर टारगेट को हिट करेंगे और क्या एक्यूरेसी आती है। होती है, तो देखिए दोस्तों कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है, पहले के 2 शॉट नीचे लगे, उसके बाद मैंने ऑफ किया तो 1 शॉट और ऊपर, और ऑफ किया तो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, और फिर मैंने बिल्कुल सेंटर कर दिया है तो बिल्कुल सेंटर में लगे हैं। तो देख सकते हैं आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे फिंगर के नीचे ये 2 शॉट मैंने यहाँ पर चलाए हैं तो दोनों शॉट एक यहाँ पर लगे है। तो अब इसका थोड़ा सा डिस्टेंस दूर करते हैं, अभी 15 मीटर से हमने इसको मारा है तो थोड़ा और दूर करते हैं और इसको 8-10 राउंड चला के देखते हैं तो क्या ग्रुपिंग आती है इसकी करीब 25-30 मीटर पे। तो देखिए दोस्तों, ये प्लिंग स्पोर्ट के टारगेट यहाँ पर लगा दिए हैं और ये देखिए, और अभी मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही छोटा टारगेट है, ये देख सकते हो आप, बहुत ही ये छोटा टारगेट है तो इस पर हिट करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा वाला साइज है तो छोटे वाले साइज में हिट करके आप लोगों को दिखाते हैं, तो देखते हैं क्या एक्यूरेसी आती है इसमें। 10 शॉट हम चला के देखेंगे, एक बार मैगजीन भर लेते हैं अपनी पूरी, फिर और लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सारे शॉट यहाँ पे लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये लोहे को भी थोड़ा सा डैमेज कर दिया है इसने, 50 मीटर से हमने इसको मारा था तो देखिए सारे शॉट यहाँ पे लगे हैं, सेंटर से थोड़ा ऊपर और 1 शॉट इधर साइड में लगा है। तो कोई एक पैलेट ऐसा होता है जिसकी एज ख़राब होती है तो उसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती, बाकी सारे के सारे पैलेट में से पैलेट निकले हैं और यहाँ पर अच्छी खासी इसने चोट भी पहुँचाई है, तो पेनिट्रेशन भी इसने अच्छा किया है यहाँ पर, ऐसे कुछ घाव सा लग रहा है 50 मीटर पे, तो बहुत ही पावरफुल रहा। तो देखिए, और ये क्विंस कोट का टारगेट जो है कुछ सही तरीके से नहीं लगा, इसमें टाइट सा हो रखा है, ये रबर दोनों साइड लगती है तब जाके ये गोल गोल घूमता है, तो ये बार बार सीधा करना पड़ रहा था, बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो इसको मैं बाद में सही तरीके से लगा दूंगा, तो बहुत मज़ा आया। और पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं किसी बुक पर तो देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये स्टील की प्लेट है, इसमें हमने और गन से भी पेनिट्रेशन टेस्ट किया है, तो अभी इस पर यहाँ पे करते हैं तो इसको पेनिट कर पाता है कि नहीं, आर पार कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तो आपके सामने ही है और नज़दीक से मारते हैं। और मैं हमने करीब 10 मीटर से मारा है तो इसको थोड़ा नज़दीक से ही मारते हैं,
तो देखते हैं क्या बनता है और चला के दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, अगर दिखाई दे रहा तो यहाँ पे ये लगी है, यहाँ पे हिट हुआ है और ये देखिए यहाँ से बिल्कुल तीखा सा बाहर आ गया और इसको आर पार नहीं कर पाया है। तो बाकी ओवरऑल कह सकते हैं इसको कि और गन के बराबर ही इसमें भी पावर है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए वो ज़्यादा तीखा ये बाहर आया, औरों का थोड़ा कम आया। तो औरों में कौन सा पैलेट हमने चलाया था ये पता नहीं, और इसमें हमने ये वाला पैलेट हमने यूज़ किया है, ये देखिए ये वाला पैलेट इसमें हमने यूज़ किया। तो देखिए दोस्तों, ये पैलेट हमने सेम होल में एक बार फिर से मारा तो ये आर पार कर दिया, इसने छेद कर दिया है। तो सेम पैलेट सेम होल अगर दो बार मारते हैं हम तो सिर्फ पार हो जाता है। तो मज़ा आया, देखिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बढ़िया ये गन है।